हेलो एवरीवन। तो जैसा आप सभी को पता है कि एसएससी सीजल 2022 का फॉर्म आ गया और अब फॉर्म अप्लाई होना भी शुरू हो गया। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग लाया हूँ मैं कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना ताकि आपका मिस्टेक ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। मैं इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, सारा डिटेल तो नहीं बताऊंगा, अगर पूरा वीडियो बनाऊंगा तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, और अगर फिर भी आपका कुछ कन्फ्यूजन रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो कि आपका कहाँ पे दिक्कत आ रहा है फॉर्म फिलअप करने में। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। ठीक है, और मैंने इसको फॉर्म को फिलअप कर लिया है खुद से, तो मुझे पता चल गया कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले, तो अगर आप पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आपका एक यूज़र नेम और पासवर्ड आपको मेल आईडी में मिल जाएगा, और वहाँ से फिर लॉगिन करोगे तब आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है अगर न्यू यूज़र हो तो, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के आपको ओपन करना है। तो जैसे मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, तो जैसे ही खोलोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा कि आपका कौन कौन सा एग्ज़ाम उसके लिए अप्लीकेबल हो। तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2022, बाकी सारे एग्ज़ाम भी है, तो इसमें अप्लाई क्लिक कर सकते हो। इसमें अप्लाई क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म फॉल देखो, यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो मैंने पहले से ही अप्लाई कर लिया है, तो मैं आपको मेन चीज़ें आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, आपका सारा डिटेल रहेगा, और सारा डिटेल जो है ना 10th के बोर्ड के हिसाब से आपको डालना है। आपका नाम, आपका फादर का नाम, आपका मम्मी का नाम, जो भी है आपको 10th के हिसाब से डालना है। आपका जो भी आपका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड आपको डाल देना है। आपका जो भी रोल नंबर वगैरह है 10th का रोल नंबर, ये सब परसेंटेज वगैरह आपसे पूछा जाएगा। मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, ईमेल आईडी आपको अच्छे से देना है कि आपको ईमेल आईडी वही देना जो आप यूज़ करते हो, जिस पे आपका ईमेल आता है। मोबाइल नंबर भी वही देना जिस पे आपको मैसेज आता है, और आपका कौन सा परमानेंट एड्रेस वगैरह आपको फिल कर लेना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। फिर कैटेगरी भी आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से कैटेगरी से हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी एससी हो। तो जनरल अगर हो गए तो जनरल सेलेक्ट करना, ओबीसी तो ओबीसी, ठीक है। नेशनलिटी, मोल मार्क, आपका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है वो भी डाल देना, कि आपको अगर कहीं तिल है, कहीं कट मार्क है, तो वो सब भी आपको लिखना है। अगर डिसेबिलिटी है तो यस करोगे, नहीं है तो नो करोगे। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, दिव्यांग हो, तो यस करना है, नहीं तो नहीं करना है, ठीक है, नो करना है। उसके बाद आपका एड्रेस फिलअप कर लेना है, परमानेंट एड्रेस आप वही देना जो आपका आधार कार्ड में हो, या फिर आपका जो सर्टिफिकेट बनाने वाले हो, ओबीसी ये सब सर्टिफिकेट, वही वाला परमानेंट एड्रेस आपको देना है, ठीक है। उसके बाद फाइनल सबमिट कर देना, आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद चलते हैं कि फॉर्म अप्लाई करते समय, जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तब क्या होगा कि आपका बहुत सारा डिटेल ना जो आप रजिस्ट्रेशन करते हो उसी से आ जाता है। आपका नाम वाम वगैरह सब चीज़ आपका पहले से ही आ जाएगा, आपका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है वो सब पहले से आ जाएगा। आपको भरना होगा तो वो प्रेफरेंस से भरना होगा, प्रेफरेंस भरना होगा। तो प्रेफरेंस आपको 3 भर लेने हैं, जैसे कि अगर आप दिल्ली जोन के हो, नॉर्थ जोन के हो, तो दिल्ली भर सकते हो, राजस्थान भर सकते हो, हरिद्वार भर सकते हो। अगर आप दूसरे जोन के हो तो आप अपने अकॉर्डिंग 3 आपको प्रेफरेंस भर लेना है। और प्रेफरेंस ऐसे भरना है कि जो पहले चाहिए आपको, जिसमें सबसे पहला है तो पहले वाले में भरना। जैसे मान लो मुझे दिल्ली पहले चाहिए तो मैं दिल्ली फर्स्ट वाले में भरूंगा, फिर सेकंड वाले में जो उसके बाद चाहिए, फिर थर्ड वाले में जो चाहिए। तो एग्ज़ाम का सेंटर भर लेना है। उसके बाद एक सर्विसमैन का आएगा, तो एक सर्विसमैन आपको नो कर देना है। अगर आप यस हो तो यस, नहीं तो नो, मैक्सिमम लोग नो ही होंगे आप लोग में से, ठीक है। उसके बाद ये सब चीज़ें बंद रहेगी। उसके बाद आपको जो फिल करना होगा 18 नंबर पे, कि आपको जेएसओ का पोस्ट लेना है क्या। जेएसओ का पोस्ट मतलब जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, इसके लिए कौन एलिजिबल होता है, जिसका 12th में 60% मार्क्स होता है, 60 नंबर से ज़्यादा मैथ्स में होता है मार्क्स, 12th में 60 से ज़्यादा मार्क्स, या फिर जिसका ग्रेजुएशन में एक पेपर स्टैटिक्स का पेपर होता है, वो अप्लाई कर सकता है। तो अगर आपका ये है तो यस करो। इसके लिए आपको Tier 2 जब होगा तो एक एक्स्ट्रा पेपर स्टैटिक्स का देना पड़ता है। अगर नहीं मन है तो नो कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप यस करोगे तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी उसके लिए यस करना पड़ेगा, नहीं तो नो। एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए, अगर आपका एज पार हो जा रहा है, 27 से ज़्यादा हो जा रहा है, और अगर आप ओबीसी हो, एसटी एससी हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो एज रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है, यस कर सकते हो। अगर नहीं तो नो आपको करना है और आगे बढ़ जाना है। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे पूछा जाएगा, तो आपका क्या है आप लिख सकते हो, बीटेक कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, तो जो भी है आपका कर सकते हो। उसके बाद उसका जो हायर एजुकेशन का आपका डिटेल भर देना है,
डिटेल भर दोगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा है कि स्टेटस में क्या लिखना है, अपियरिंग की पास्ट। तो देखो अपियरिंग तो बहुत नहीं चलेगा अभी, अगर आप अपियरिंग हो आपका रिजल्ट नहीं आया तो आपको अपियरिंग भरना है। पास्ट में जिसका अगर रिजल्ट आ गया तो आपको पास्ट भरना है। फिर पास्ट ईयर कौन सा है, 2022 भी इसमें आ रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि 2022 नहीं आ रहा है, लेकिन आ रहा है इसमें, ठीक है। और अगर 2022 आपका मेरे समय तो आ रहा था और आपके समय पता नहीं, लेकिन मैं जब फिल कर रहा था 2022 आ रहा था, तो पास्ट आपको करना है, उसके बाद 2022 फिल करना है। अगर 2022 में पास हुए हो तो जिस भी ईयर में पास हुए हो वो ईयर आपको फिल करना है। और अगर आपका 2022 नहीं आ रहा होगा पास्ट में, तो आपको अपियरिंग करके 2022 सेलेक्ट करना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम क्या है, रोल नंबर कितना परसेंटेज आया, तो आपको परसेंटेज और CGPA आपका जो जिसमें भी रिजल्ट आया होगा उसको लिख देना है। अगर आपका परसेंटेज में रिजल्ट है तो परसेंटेज में लिखो, CGPA में तो CGPA में। डू यू वॉन्ट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यस नो। अगर यस करोगे तो आपका डिटेल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और कुछ कुछ अगर नोटिफिकेशन आते रहेगा तो आपके ईमेल में आते रहेगा हमेशा कि यहाँ पे जॉब निकला है, यहाँ पे जॉब निकला है, जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन। उसके बाद बाकी चीज़ें पहले से फिलअप रहेगा। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है कि आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर में, देखो फ़ोटो कैसा होना चाहिए, फ़ोटो का मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ। जो कहाँ चला गया, जो फोटोज़ होना चाहिए, फ़ोटो देखो, हाँ फोटो का जो स्पेसफेन होना चाहिए, जो ये है करेक्ट कि आपका क्लियरली विजिबल होना चाहिए, दोनों ईयर्स आपका विजिबल होना चाहिए, और आपका प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, और आपका शोल्डर भी थोड़ा दिखना चाहिए। ये ऐसा सिंपल, ऐसा ऐसा नहीं चलेगा कि कलरफुल है आपका, कलरफुल हो गया, आपका ब्लर हो गया, या फिर बहुत बड़ा सिर्फ फेस दिख रहा है, टोपी नहीं लगाना है, धुंधला नहीं होना चाहिए, ऐसा एकदम क्लियर होना चाहिए, चश्मा नहीं लगाना है आपको, ये ग्लासेस भी नहीं लगाना है। अगर आप चश्मा पहनते हो तो चश्मा खोल करके आपको फोटो खिंचवाना, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए, ऐसे साइड वाइड नहीं देखना है, सिंपल कैमरा में देखना है। तो आपका फ़ोटो कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और इस पर डेट नहीं होगा, डेट मेंशन नहीं किया होगा कि डेट डालना है, तो डेट आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल चलेगा। और उसके बाद क्या है कि फ़ोटो को आप जब यहाँ पे अपलोड करोगे तो आपका फ़ोटो क्लियरली यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। और साथ में आपका जो ये है, यस करना है यहाँ पे क्लिक, कि आपका फ़ोटो ना रिसेंट होना चाहिए, 17 जून के बाद का फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए कि आपका फेस ही नहीं पहचाना जा रहा है, बहुत पुराना नहीं, नया रिसेंट फ़ोटो होना चाहिए। और यहाँ पे यस क्लिक करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। और फिर उसी तरह से सिग्नेचर भी आपको अपलोड कर लेना है, इसका जो साइज़ है 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। और सिग्नेचर भी आप जब अपलोड करोगे तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर से आई एग्री करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डाल करके एक बार प्रीव्यू देख लेना है, प्रीव्यू में चेक कर लेना है कि सारा डिटेल आपने सही लिखा किया है कि नहीं, और उसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। जब आप फाइनल सबमिट करोगे तो उसमें प्रिंट का ऑप्शन आएगा, तो आप प्रिंट भी कर लेना। इस तरह से आपका आएगा, देखो आपका फ़ोटो क्लियरली विजिबल होगा और आपका सिग्नेचर भी विजिबल होगा। अगर ऐसा आ रहा है इसका मतलब आपका फॉर्म सही फिलअप हुआ है, ठीक है। बाकी डिटेल भी आप एक बार चेक कर लेना। और एक बार करेक्शन विंडो भी खुलेगा 8 के आसपास, करेक्शन विंडो का डेट जो है मैं देख लेता हूँ, जो करेक्शन विंडो है, अगर आपका कुछ गलत हो गया तो आप 12 से 13 तारीख को एक बार विंडो ओपन होगा, तो आप उस समय करेक्ट कर सकते हो आपका फॉर्म में अगर कोई दिक्कत हुआ होगा तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो सबसे पहले तो कि आप सारा डिटेल सही से भरो, 10th के हिसाब से भरो, 10th में जो दिया हुआ है। और उसके बाद क्या है कि फ़ोटो एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फ़ोटो और सिग्नेचर की वजह से रिजेक्ट होते हैं लोग। तो फ़ोटो आपको क्लियरली विजिबल होना चाहिए जैसा मैंने दिखाया है, और सिग्नेचर भी आपका बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, धुंधला नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो आपको जो साइज़ है ना, रिसाइज करने आना चाहिए आपको, खुद से गूगल पर सर्च करोगे ना साइज रिड्यूस JPG, तो आपका पहला ऑप्शन जो आएगा उसमें आप रिड्यूस कर सकते हो फाइल साइज को, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखना कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है, फोटो एंड सिग्नेचर, वो अगर सही है और बाकी डिटेल सही है तो आपका फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर फ़ोटो आपका धुंधला हो गया और आपका सिग्नेचर सही नहीं है तो आपको रिजेक्ट होगा। चश्मा पहन के नहीं खिंचवाना, टोपी नहीं, आपका बैकग्राउंड सिंपल प्लेन होना चाहिए जैसे मेरे पीछे आपको दिख रहा है उस टाइप का, ठीक है। तो ठीक है, यही था। अगर फिर भी आपका कुछ डाउट है फॉर्म से रिलेटेड तो आप
कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा क्योंकि ये फॉर्म भरने से रिलेटेड है, तो सारे कमेंट का मैं इस बार रिप्लाई करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छे से फॉर्म फिलअप करो, अच्छे से मेहनत करो, इस बार 20,000 वैकेंसी आने वाली है और बहुत अच्छा चांस है कि आपका इस बार सिलेक्शन होगा। और सबके लिए कॉम्पिटिशन बराबर कर दिया गया है और इस बार बहुत अच्छा चांसेस आपके लिए। बाय बाय एवरीवन।